स्प्रिंग की फोर्सेस कंजर्वेटिव। हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की पढ़ी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग की एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है। अगर मैं वर्क डन करूं तो मेरा वर्क डन सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। स्प्रिंग के अंदर अगर मैं वर्क डन करूं स्ट्रेचिंग में, तो ये स्प्रिंग का वर्क डन भी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, इसलिए स्प्रिंग की फोर्सेस कंजर्वेटिव। पहला पॉइंट क्लियर है, तो स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव है और ग्रेविटी की फोर्स भी कंजर्वेटिव है, क्योंकि दोनों के वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं। पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अब ये सुन लो, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो मैंने वर्क डन किया और जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया वो उल्टा होगा, माइनस का फर्क होगा। तो मैंने बताया था आपको इसमें, ये मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है, ये ग्रेविटी का वर्क डन है, दोनों में किसका अंतर होगा? माइनस का। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब मैं एक ब्लॉक को ऊपर उठाता हूँ तो मेरा वर्क डन आता है mgh, लेकिन ग्रेविटी का वर्क डन क्या आता है? माइनस mgh। ये बात हुई थी mgh की जगह माइनस mgh, राइट? इसके अंदर भी सही है, अगर मैंने वर्क डन किया इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग और स्प्रिंग ने अगर वर्क डन किया स्प्रिंग ने, तो दोनों के आगे साइन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव है ना, तो सिस्टम काम करेगा या मैं काम करूंगा, दोनों में माइनस का अंतर आएगा ही आएगा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का इतना बड़ा मतलब है कि पूरी किताब उल्टी चल पड़ती है। मैं दिखाता हूँ पूरी किताब उल्टी कैसे चलती है इससे, क्योंकि पूरी किताब में थ्योरी स्प्रिंग के वर्क से की हुई है और हमने अपना काम आज एक्सटर्नल वर्क डन के साथ किया है। हमारा काम ज़्यादा ईजी है, मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस थ्योरी के ऊपर आ जाओ जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिया। इसके अंदर पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, हमने कर ली। इसके अंदर अंडरलाइन करते रहना, तो ये सब हमने कर लिया। इसके अंदर ये फॉर्मूला है स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स हमने कर ली, और ये स्प्रिंग की फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था? हुक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम क्या है? हुक्स लॉ। नेक्स्ट है, अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बड़ा है, इंपॉर्टेंट, अगर मान लो स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट बड़ा है तो आपको फोर्स भी बड़ी लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए। तो ऐसा स्प्रिंग को बोला जाता है स्प्रिंग स्टिफ है। स्टिफ का मतलब सख्त है, खींच नहीं रहा, लोहे का स्प्रिंग है, खींच नहीं रहा। और अगर के सॉफ्ट है, मींस कम है, के कम है, तो स्प्रिंग सॉफ्ट है, तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ती है खींचने के लिए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग सॉफ्ट है। के का मतलब हार्ड स्प्रिंग है, स्टिफनेस ज़्यादा है, और एक सॉफ्ट है एक हार्ड है। समझ में आ रहा है? ये इलास्टिसिटी का मैटर है सारा, क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा इलास्टिक है कम इलास्टिक है, इसका मतलब ये है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको ऑनलाइन कर लें। नेक्स्ट है, वर्क डन की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, अगर आपने वर्क डन या स्ट्रेचिंग का स्प्रिंग निकालना है, देखो किताब कैसे करती है और हम कैसे करते हैं। किताब कहती है हम वर्क डन निकालेंगे, लेकिन हम वर्क डन एक्सटर्नल का नहीं निकालेंगे जो हमने निकाला अपने थ्योरी में। वो कहता है मैं वर्क डन किसका निकालूंगा? स्प्रिंग का निकालूंगा। तो फोर्स भी किसकी यूज करूंगा? स्प्रिंग की। और स्प्रिंग की फोर्स क्या है? माइनस के एक्स। जबकि हमने डेरिवेशन में क्या यूज किया? अपनी फोर्स। हमारी फोर्स क्या थी? के एक्स। तो स्प्रिंग की फोर्स माइनस के एक्स। अब ये जब इसे इंटीग्रेट करता है एक्स आई से एक्स एफ, इंटीग्रेट करके इसका आंसर उल्टा जाता है। हमारा एक्स एफ पहले है, इसका एक्स आई पहले है, उल्टा हो गया, इसका वर्क डन उल्टा हो गया। फिर ये करने के बाद ये एंड में एक लाइन बोलता है, ये कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ अ स्प्रिंग। भी अगर तुम एक्सटर्नल वर्क डन निकालते हो तो ऐसे केस में तुम्हें ये साइन क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो फिर मुझे नहीं पता इसने उल्टा क्यों किया। तो मतलब आपकी बुक स्प्रिंग के साथ वर्क डन करती हैं और एंड में रिजल्ट को माइनस कह के कहती हैं कि तुम्हारा वर्क डन के लिए स्प्रिंग के वर्क डन के आगे माइनस लगा लो। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपना ही वर्क डन निकाला और बात ही खत्म की। तो हमारी डेरिवेशन ज़्यादा ईजी है, आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ, अगर बुक ऐसे करती है तो क्या इसका मतलब है? क्लियर है यहाँ तक? तो बुक ने क्या क्या समझ में आया? स्प्रिंग का वर्क डन निकाला और स्प्रिंग का वर्क डन के बाद हमारा वर्क डन निकालने के लिए आगे माइनस करके फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। हमने सीधा उल्टा किया हुआ है, हम अपनी थ्योरी पे सही हैं। एक टर्म बहुत कंजर्वेटिव है बता दिया मैंने, एक टर्म मेंस के अंदर दो तीन बार यूज हुई है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और लोग क्वेश्चन छोड़ आए हैं,
वो क्या मैंने रेड पेन में लिखा, क्वाजी स्टैटिक मोशन। हम स्प्रिंग को खींचते हैं इन अ क्वाजी स्टैटिक मोशन। आज के बाद फिजिक्स में टर्म आ जाए क्वाजी स्टैटिक, इसका मतलब स्लो एंड स्टडी, एक्सेलेरेशन नहीं देना, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब स्लो खींचना, मतलब क्वाजी स्टैटिक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसे अंडरलाइन करना है, क्वाजी स्टैटिक वो ये वर्ड यूज करेगा, ठीक है। और आदि लोग ये छोड़ आएंगे कि हमें ये प्रोसेस नहीं करवाया, व्हाट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, स्लो एंड स्टडी, क्लियर है। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया हाफ के एक्स स्क्वायर, मैंने ग्राफ आपको बता दिया, ग्राफ क्या बताता है ये हमने डिस्कस कर लिया, ग्राफ का काम सारा हो चुका, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें काम करेगी, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये काम करेगा, राइट। बस ये बताया हुआ है, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं आपको, ये कुछ नहीं करना आपने, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा इसने क्या किया एग्जाम्पल के साथ, ये टॉपिक नहीं करना, ये टॉपिक आपके पेपर में पक्का आएगा, स्कूल के पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है।